हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टी एस एग्री अकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बी एस सी फिफ्थ सेमेस्टर का जो हमारा एक कोर्स है, आई पी आर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में दोस्तों हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने हर एक फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर करना, इस क्लास को शेयर करना। तो गाइस, चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइस, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सीजन को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। दोस्तों, बात करेंगे आईपीआर के बारे में, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे कि बौद्धिक संपदा अधिकार। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं, यानी कि आईपीआर हम लोग किन्हें कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस जो कि 26 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, व्यक्तियों के दिमागी उत्पाद से जुड़े अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं, जो व्यक्तियों के दिमाग से ही विकसित किए जाते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। ठीक है गाइस, इसमें साहित्य रचना, शोध, आविष्कार जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। साहित्य रचना, शोध तथा आविष्कार जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस इंसान की मेहनत से ये रचना बनी है, यानी जिस किसी ने भी उसे डेवलप किया है, सबसे पहले उस पर उसी व्यक्ति का हक या अधिकार होना चाहिए। दोस्तों, जो जिस चीज़ को डेवलप करता है, सबसे पहले उसी का अधिकार होना चाहिए या अधिकार दिया जाता है, क्योंकि यह अधिकार बौद्धिक उत्पाद के लिए दिया जाता है, जो बौद्धिक उत्पाद के लिए दिया जाता है, इसीलिए इसे बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी इंसान किसी नई चीज़ को डेवलप करता है तो वह उसी के अंडर में, उसी के नाम से होनी चाहिए, यानी कि जिसने डेवलप किया है तो उससे जो शामिल जो सारी क्रियाएं की जाती हैं बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद चलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट में जो हमारा है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी कहाँ कहाँ दिए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले दिया गया बौद्धिक संपदा एक निश्चित समय अवधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मद्देनज़र दिए जाते हैं। ये निश्चित क्षेत्र होगी, अवधि होगी, समय सीमा इनकी निर्धारित होती है के हिसाब से दिए जाते हैं। ये अधिकार मिनिमम 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे कि कॉपीराइट, पैटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन एक्ट और भौगोलिक संकेतक। जैसा कि इसमें सभी दिया गया है, पैटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, डिजाइन हुआ और ट्रेडमार्क हुआ तथा ये और ये भौगोलिक संकेतक यानी ग्राफिकल इंडक्शन भी होता है, जिसे जीआई टैग वगैरह जहाँ पर दिए जाते हैं, जैसे कि कड़कनाथ को एक जीआई टैग प्रभात जीआई टैग से सम्मानित मुर्गी है कड़कनाथ, कहाँ की, हैदराबाद की। तो गाइस, जैसे कि बौद्धिक संपदा संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और मंच, यानी कि इसके जो प्रमुख संस्थान और मंच हैं इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ये जान लीजिए 5 प्रकार के होते हैं, कॉपीराइट हुआ, पैटेंट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतक। ठीक है गाइस, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके जो प्रमुख संस्थान वगैरह क्या है। तो गाइस, सबसे पहले आता है WIPO यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, सॉरी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि WPO आता है हमारा। इसका मुख्यालय जो है गाइस वो है जनेवा में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिहाज से सन 1967 में WIPO का गठन किया गया था। दोस्तों, जो दुनिया भर की चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए यानी उनकी संपदाओं को सुरक्षित करने के लिए WIPO का गठन सन 1967 में किया गया था। ठीक है, मौजूदा वक्त में इसके तहत 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ आती हैं। मौजूदा वक्त के अंतर्गत जो इसके अंतर्गत 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती हैं और 193 देश इसके सदस्य, यानी जो WIPO के जो हैं 193 देश इसके सदस्य हैं तथा इसका मुख्यालय गाइस जो है वो है जनेवा में, जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और बात करें हम लोग भारत की, तो भारत 1975 से WIPO का एक सक्रिय सदस्य है, यानी कि जो भारत इसके अंडर में जो इसका सदस्य बना था 1975 में, इसकी स्थापना गाइस हुई थी
1967 में हुई थी, टोटल दोस्त 193 मौजूदा वक्त में जो है। इसके बाद देखते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि बौद्धिक संपदा संगठन 1975 से इसका जो भारत दिया गया था, भारत जो इसका सदस्य बना था गाइस 1975 में बना था WIPO का। नेक्स्ट नेक्स्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट में बात आती है WTO की, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो गाइस इसमें क्या है, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा बौद्धिक संपदा के संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में ट्रिप्स, यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रावधान है। जो दोस्तों WTO का जो प्रावधान दिया गया है वो ट्रिप्स के अंतर्गत दिया गया है। यह मुख्य रूप से निम्नलिखित बौद्धिक संपदा के विकास और संरक्षण पर बल देता है। राइस जो WTO हमारा है, विश्व व्यापार संगठन, एक किन किन बौद्धिक संपदा अधिकारों पर बल देता है, इसके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया है गाइस कॉपीराइट और उससे संबंधित अधिकार। गाइस हमारा कॉपीराइट और उससे संबंधित अधिकार कौन कौन से हैं, जो वो हैं यह है ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक यानी ग्राफिकल इंडक्शन, तथा औद्योगिक डिजाइन और पेटेंट। इनके बारे में हम एक एक करके एक क्लास में डिस्कस करेंगे सभी के बारे में। अभी केवल इनका नाम जान लेते हैं, इन सभी के बारे में फुल्ली डिस्कस होगी, पूरी पूरी क्लास पे हमारी एक क्लास होगी जिसके बारे में हम लोग इनके बारे में आपसे बातें करेंगे, आपको बताएंगे कि ये सभी क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, भौगोलिक संकेतक क्या है, औद्योगिक डिजाइन क्या है, पैटेंट क्या है। इसके आगे जो दिया गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी लेआउट डिजाइन या इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या है। इसके बाद में अप्रकाशित सूचना या ट्रेड सीक्रेट संरक्षण, इन सभी के बारे में दोस्तों गाइस हम लोग एक पूरी पूरी क्लास करेंगे जिसके बारे में इस पर डिस्कस होगी। और इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं नेक्स्ट में दिया गया है कि इसका लक्ष्य क्या था दोस्तों, इनका उद्देश्य क्या होता है, IPR का जो उद्देश्य है दोस्तों ये क्या है। तो लक्ष्य इस नीति के निम्नलिखित सात लक्ष्य हैं, जो निम्नलिखित सात लक्ष्य हैं यानी मानव संसाधन विकास, मानव संसाधनों का शिक्षण प्रशिक्षण, अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाना, और बौद्धिक संपदा अधिकारों को कौशल निर्माण करना। यानी दोस्तों जो कोई चीज़, कोई भी मनुष्य जब किसी चीज़ को डेवलप करता है तो उस पर सिर्फ उसी ही का अधिकार सबसे पहले होना चाहिए, पूरी तरह से हमें ये IPR के अंदर बताया जाता है। तो गाइस अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हम लोग एक किसी नेक्स्ट क्लास पे ज़रूर मिलेंगे। इन सभी पे एक एक करके डिस्कस होगी, पैटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ हमारा, जो कि GI टैग हुआ, सभी पे एक एक क्लास होगी प्रॉपरली। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने हर एक फ्रेंड के पास शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी छोटी सी फैमिली को आगे बढ़ाएं। ओके गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।